नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी, और हम आपके लिए इस चैनल पे लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़। तो दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बताएंगे आपको, ये है पैकेजिंग के रिलेटेड बिजनेस के बारे में। फूड कंटेनर का बिजनेस है ये, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अलूमिनियम फॉइल कंटेनर भी कहते हैं, जो आजकल पैकिंग के जगह काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है और इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो बने रहे वीडियो के साथ और देखते रहें इस वीडियो को कि कैसे काम शुरू होता है, क्या इसमें मशीनरी रिक्वायर्ड होता है और कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जाता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अल्युमिनियम फॉइल कंटेनर जो है, इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड आज के टाइम में बढ़ रहा है और दिन ब दिन इसका डिमांड मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, जिस वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ा है। बट आज के टाइम में भी इसका इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ना होने के कारण इसकी डिमांड और इसका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आज भी समझते हैं ये क्या बिजनेस है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और क्या इसमें मशीनरी रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों, आज मेरे पास दो सैंपल्स हैं अल्युमिनियम फॉइल कंटेनर के। एक है मेरे पास 450 ml का, ये आप देख सकते हो, और एक है मेरे पास आपका 650 ml का। दो साइजेस के मेरे पास कंटेनर्स है। आज इसके बारे में स्टडी करेंगे और इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अल्युमिनियम फॉइल के रॉ मटेरियल के बारे में। सबसे पहले इसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है इसका, जो अल्युमिनियम शीट होता है। अल्युमिनियम शीट जो है आपको माइक्रोन्स के हिसाब से मिलती है। जो कंटेनर की माइक्रोन्स होती है वो तकरीबन आपको 12 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक का हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं जगह कम माइक्रोन यूज़ होता है और कहीं जगह ज़्यादा माइक्रोन यूज़ होता है। जैसे का भी आप मटेरियल यूज़ करना चाहो, वैसे का आपका कंटेनर मार्केट में तैयार होगा। तो उसके बाद सेकेंड थिंग आती है हमारी ऊपर वाली लिड, जो कंटेनर को रख के ऊपर से पैक करते हैं, ये हम लिड कहते हैं ऊपर वाली। इस लिड का जो रॉ मटेरियल है, ये आपका आता है हमारा ड्यूप्लेक्स पेपर। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और जो इसका रॉ मटेरियल है ये GSM के हिसाब से आता है। कितने GSM का मटेरियल लेना आपने, उसी के हिसाब से आपको सारा इसका कॉस्टिंग पड़ेगा। तो जो हमारा इसका कंटेनर का रॉ मटेरियल है, ये तकरीबन आपको 300-350 रुपये पर KG के आसपास मिल जाता है। वहीं हम इसकी बात करें तो ये आपको तकरीबन 40-50 रुपये पर KG के आसपास मिलता है, और जिसमें आपके काफ़ी कंटेनर्स तैयार हो जाते हैं। सभी का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है आपका, सभी को अलग अलग डाइस लगेगी। तो अभी जानते हैं मशीन कैसे इस कंटेनर्स को तैयार करती है। चलो अब देख लेते हैं इस वीडियो के इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है।